तो दोस्तों आज हम बताएंगे इस मल्टीमीटर के मदद से। ये आप देख रहे हैं, ये दो बल्ब है मेरे पास और एक सही है और एक ख़राब है। और जैसे कि आपके पास बाइक भी है तो कभी होता है क्या कि एक फेज जल रहा है एक फेज नहीं जल रहा है, तो आप डाउट में रहते हो कि मेरा बल्ब खराब हो गया है या मतलब मेरा वायरिंग खराब है, तो कैसे चेक करें। तो सबसे पहले हम एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे ये मल्टीमीटर है इसके मदद से भी आप इसको ट्राई कर सकते हो कि मेरा बल्ब सही है मतलब फिर क्या दिक्कत है, और ये 12 वोल्ट का बैटरी है इससे भी पता कर सकते हो। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, मीटर को बीप पर सेट कर लेंगे। ये देख रहे हैं बीप बीप पर सेट कर लिए हैं, और ये देख रहे हैं बीप जो है सो बज रहा है, इसका मतलब है मेरा मीटर सेटिंग में है। और सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये बल्ब है मेरे पास, तो सबसे पहले इसको हम ग्राउंड वाले में कर देंगे। ये ग्राउंड है, ये देख लीजिए गौर से, ये ग्राउंड होता है, तो ग्राउंड में हम लगा दिए हैं और ये दोनों डिम डी पर है। तो ऐसे हम टच करेंगे इसको, इसमें बज रहा है तो इसका मतलब है ये फेज सही है, और इस दूसरा में हम फिर टच करेंगे, इसमें नहीं बज रहा है मतलब इसका जो है ये फेज ख़राब है। ठीक है, चलिए ये बल्ब यहाँ रख दिए, इसमें एक फेज मेरा ख़राब है, चलिए दूसरा बल्ब को लाते हैं। इसमें हम ग्राउंड कर दिए हैं और ऐसे टच करेंगे, ये फेज भी सही है, ये फेज भी, मतलब इसमें दोनों फेज सही है। चलिए इसको हम बैटरी से ट्राई करते हैं सही है या नहीं, वो भी हम कंफर्म कर देते हैं। सबसे पहले इसमें हम ग्राउंड कर देंगे, ये देख रहे हैं इसमें बोले थे कि हम ग्राउंड है तो हम ग्राउंड में लगा दिए हैं, और ये प्लस है तो ऐसे हम टच करेंगे, ये देख रहे हैं, और ये इसमें दोनों में बज रहा था तो दोनों फेज जलेगा, जैसे कि ये देखिए इसमें भी जल रहा है, तो मतलब इसका ये तो कंफर्म कर दिया आपको, इसमें एक मतलब एक फेज जल रहा है, मतलब एक फेज में बीप बज रहा था एक में नहीं बज रहा था। तो चलिए सबसे पहले हम इसको ग्राउंड कर लिए हैं और इसमें टच करेंगे, ये देखिए एक फेज में जल रहा था बीप बज रहा था, ये एक फेज जल भी रहा है, दूसरे में हम टच करेंगे ये नहीं जल रहा, इसमें बीप नहीं बज रहा था और बजेगा भी नहीं। चलिए हम दोबारा फिर मीटर से भी ट्राई कर देते हैं, ये फेज ख़राब है इसमें बीप नहीं बजेगा। चलिए इसको हम ग्राउंड कर दिए हैं और इसी में पहले हम लगाएंगे, ये देखिए नहीं बज रहा है ना बीप, मीटर मेरा सही है, ये देखिए नहीं बज रहा है। तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी बताएंगे कौन सा कंपनी का बल्ब लगाए गाड़ी में जो सबसे अच्छा रोशनी दे, और कितना वाट का लगाएं और कितना का आता है सो भी बताएंगे, और कौन सा कंपनी अच्छा होगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका भी हम कन्फर्म करेंगे ये कौन सा हेडलाइट बल्ब आपके लिए अच्छा होगा। चलिए सुनिए पर नेक्स्ट वीडियो में आप